नमस्कार दोस्तों, अशोक IT3 में आपका फिर स्वागत है। मेरा नाम है अशोक। दोस्तों दोस्तों आज हम आपको फ्रॉड से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है और बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे फ्रेंड्स तो बाद में पछताएंगे कि बोलेंगे अरे यार पहले अगर इसको हम देख लिए होते तो हमारे साथ फ्रॉड होने से हम बच जाते फ्रेंड। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक फ्रेंड्स आपको देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपको बताए हैं कि क्योंकि हमारे पास एक फ्रॉड कॉल फ्रेंड्स आई और हमने उस पर बात करी, क्योंकि हम बहुत दिनों से सुनते थे बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फर्जी कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, लोग उस पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो दोस्तों वैसी ही सेम वैसे ही हमारे पास भी एक कॉल आई फ्रेंड्स, हमने उस पर बात करी फ्रेंड्स, और जैसे कॉल आई हम उस पर जैसे बात करना स्टार्ट करी हम समझ गए कि बताया गया कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन होता है फ्रेंड्स, उस वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि अपडेट होता है, वो ऑनलाइन ही अपडेट हो जाता है। और हमारे पास जो फेक कॉल आई फ्रेंड्स, उस पर बताया गया कि डाक पोस्ट के माध्यम से आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड आएगा फ्रेंड्स, जो कि ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता फ्रेंड्स। तो वही जो हमारे पास कॉल आई उसका एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे, उस कॉल को पूरा सुनाएंगे भी आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको सुनना है, और उसके बाद आपको सावधान रहना है कि आपको आपके साथ भी ऐसी कॉल्स आ सकती हैं, और बहुत ही सावधान रहना है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड्स शेयर नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को तो ऑल पे क्लिक करके ही रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप उसको बेल आइकन को अगर आप ऑल पे क्लिक करके रखेंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के आने वाली होंगे वो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स आएंगे, जिससे कि आपको हमारे नए अपडेट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही? हाँ सर, सदर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, COVID-19 सेंटर से। डॉक्टर सत्यमराज जी, धर्मेश कुमार जी बोल रहे हो? जी जी धर्मेश कुमार बोल रहे हैं। बोल रहा था आपका और आपके परिवार में जो COVID-19 वैक्सीनेशन हुई थी, कोरोना टीकाकरण, उसका कोरोना कार्ड बनकर आया हुआ है सदर हॉस्पिटल में, ठीक है? तो जो आधार कार्ड पे आपका पता है उसी पते पे जाएगा या कहीं और रह रहे हो? आधार कार्ड के पते पे जाएगा मेरा, उसी पे ना। और बोल रहा था कि और जब टीकाकरण करवाए थे उसके बाद मैसेज भी मिली होगी, मैसेज रखे हो? हाँ यार मैसेज रखे तो नहीं लेकिन आया जरूर था। हाँ उसे वो क्योंकि वो गवर्नमेंट कार्ड है ना, तो डाकिया उसे देखता है, इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है, मैं अभी फिर से भेज दे रहा हूँ, ठीक है? उसे आप डिलीट मत करना, ठीक है? और वो 1 महीने तक का वैलिडिटी रहता है, उसे डिलीट मत करना, 2 से 4 दिनों में आपके घर के पते पे आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए। क्या समझे? 1 महीने तक हमको संभाल के रखना है ना? 1 महीने तक रख लो, 3 से 4 दिनों में आ जाएगा, ठीक है? ठीक, समझ गए? ठीक है, रखे रहेंगे, फिर डिलीट नहीं करेंगे। अरे स्क्रीन शॉट लेके रख लेंगे, डिलीट भी हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, है ना? ठीक है ठीक है। और ये टीकाकरण करवा लिए आप, तीसरा टीकाकरण? तीसरा यार पता नहीं, 2 कराए थे हम, वो भी दूसरा वाला भी काफी लेट हो गया था, तीसरा वाला। बूस्टर डोज नहीं करवाए हो? हाँ बूस्टर डोज नहीं, तीसरा वाला नहीं हुआ, 2 हुए हैं मेरे टीकाकरण। बूस्टर डोज नहीं करवाए हो? नहीं। अशोक फैशन शॉप आप ही का है ना? हाँ 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 ठीक है, तीसरा नहीं करवाए हो अभी? तीसरा तो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अभी अपॉइंटमेंट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है? और फैमिली में भी जिनका जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, आपको अभी सर्टिफिकेट नंबर मैसेज आ जाएंगे, समझ गए? वो सर्टिफिकेट नंबर आपको डायरेक्टली जाकर कहीं भी कैंप लगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाकर वो सर्टिफिकेट नंबर दिखाओगे तो फिर वो दे देंगे आपको, ठीक है? वो वहाँ पे नोट कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, ठीक है, और दे देंगे, ठीक है? क्या समझे? अरे जो मतलब वो कोड बता रहे हो वो मतलब संभाल के रखना है। हाँ, वो देना है जब डाकिया लेकर। हाँ, ठीक है, और फैमिली का भी नाम बता देना, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है? देखो मैसेज गई होंगी, सर्टिफिकेट नंबर मैसेज गई होंगी, बताओ आई मैसेज? को देख रहे हैं। आई ये तो नहीं आया है? नहीं आई है? धर्मेश आया है? आई, देखिए आई होगी, आई। हाँ, दो बार आ गया, इसमें लिखा है हेलो PP फॉर एयरटेल थैंक्स ऐप लॉगिन वैलिड फॉर 15 मिनट। इसमें 15 मिनट लिखा है, आप बता रहे थे 1 महीने के लिए। 15 मिनट वो तो अपडेट करने के लिए हम लोगों का, समझ गए?
बोलो। और इसमें लिखा है प्लीज डू नॉट शेयर दिस विद एनीवन, और इसमें 9N9BWUQAU1Y ये सब लिखा है। वो सब से कोई मतलब नहीं है, बताओ। देखो सर्टिफिकेट नंबर आई होंगी 4 अंक की, बोलिए। 11:55 है। 1 मिनट देख ले रहा हूँ, और फैमिली में भी जिसका जिसका है देख ले रहा है। 11:55 ना? अच्छा, ये तो गलत है। इसमें तो यही है, और पहले के भी इसमें कई सारे ओटीपी पड़े हैं, ये अगर दिखा देंगे पहले वाले तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। है तो फिर पहले वाले दिखा देंगे, ये भी ठीक दिखा ठीक तो देते दोस्तों, हैं। जैसा कि आपने पूरी फुल कॉल पे सुना और बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि ये जो कॉल आई थी वो रियल थी, जो कि नहीं थी, वो बिल्कुल फेक कॉल थी। फ्रेंड्स, वो हमारे पैसे हड़पने के लिए उसने हमारे पास कॉल किया, और उसके बाद हमसे ओटीपी पूछ रहा था, जो कि ओटीपी थी एयरटेल पेमेंट बैंक की। फ्रेंड्स, जो कि हमने उसको शेयर किया, लेकिन फ्रेंड्स गलत शेयर किया, सही नहीं शेयर किया। अगर फ्रेंड्स उसको हम सही ओटीपी उसको अगर बता देते फ्रेंड्स, तो हमारे जितने भी अकाउंट में पैसे थे फ्रेंड्स, सारे के सारे पैसे हमारे काट लेता। इसीलिए दोस्तों हमने उसको गलत ओटीपी शेयर करी, लेकिन फ्रेंड्स ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आप गलत भी ना शेयर करिएगा और सही भी ना शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमको वीडियो के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन बतानी थी, पहुँचानी थी, कॉल को लॉन्ग करना था, इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर कर पाए। इसलिए उससे हम बात तो किए, तो दोस्तों बात किए जिससे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाए। तो दोस्तों आप कभी भी गलत और सही ओटीपी बिल्कुल भी शेयर ना करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके साथ कोई भी अनहोनी ना हो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट कार्ड होता है फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन ही अपडेट हो जाता है, वो किसी भी डाक पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक नहीं आता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों को नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक तो फ्रेंड्स पहुंच पाएंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।